वेलकम टू माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल्स। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज के बारे में बात करेंगे। बेसिकली ये जो चैप्टर है हमारी बुक में क्यों है, क्योंकि ये जो स्टेज है आप लोग की, यानी कि जो यूथ एज है होती है, इस एज के बच्चे ज़्यादा प्रेशर की वजह से या फिर पीयर प्रेशर या संगत की वजह से कह सकते हैं, जो भी उनके साथ प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी वजह से ज़्यादा इन्हीं एज के बच्चे ड्रग्स वगैरह का यूज़ करते हैं, अल्कोहल अब्यूज़ करते हैं, इन सबको यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, और एक एज में आकर के इसके एडिक्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद इससे छुटकारा पाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसीलिए ये पॉइंट, ये पार्ट हमारे चैप्टर में दिया गया है। ऑल राइट, ताकि आप लोग को अवेयर करा जा सके एंड नॉर्मली आप लोग ये चैप्टर, ये पॉइंट पढ़ें, ये पैराग्राफ्स पढ़ें, सो दैट यू मे गेट नॉलेज अबाउट हाउ कितने ज़्यादा ये हार्मफुल है, हाउ हार्मफुल दे आर फॉर अवर हेल्थ। देखो हुआ क्या था कि एक सवाल सबके मन में होता होगा कि ये जो ड्रग्स वगैरह हैं इनका यूज़ ही क्यों होता है, इनको ग्रो ही क्यों करा जाता है, क्योंकि हमें पता है कि ये जितने भी ड्रग्स होते हैं ये सारे या तो प्लांट से मिलते हैं या तो फंजाय से मिलते हैं। ठीक, प्लांट्स के पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग टाइप के ड्रग्स मिलते हैं, तो इनको ग्रो ही क्यों करा जाता है जब ये इतने हार्मफुल हैं। तो देखो ग्रो इसलिए करा जाता है इनको, ताकि इनसे जो ड्रग्स मिलते हैं वो उसका बहुत 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 लेस अमाउंट मेडिसिन्स में यूज़ होता है, मेडिसिनल यूज़ एडिटिव्स जिसको कहते हैं, मेडिसेडिटिव्स वगैरह जो मेडिसिनल यूज़ में बहुत ज़रा सा अमाउंट इनका डाल दिया जाता है, ताकि जो मेडिसिन होती है पर्टिकुलर डिसीज़ की, डिसीज से लड़ने के लिए, तो उसमें ये इफ़ेक्टिव होता है। लेकिन क्या होता है कि ये जो एज ग्रुप के बच्चे होते हैं या कि या कोई भी ग्रुप के बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो वो सारे इस चीज़ को रेगुलर लाइफ में लेने लगते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो कह सकते हैं संगत का असर होता है, या फिर कह सकते हैं पीयर प्रेशर वगैरह होता है, जो भी प्रॉब्लम है आई डोंट नो, वो सारी प्रॉब्लम्स अभी हम आगे इस बुक, इस चैप्टर में, यानी कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस में ही आगे पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें। ठीक, तो उससे वो लोग लेने लगते हैं, लेकिन उनको उस टाइम पे इसका जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी में वो नहीं पता होते, शायद उसकी अनअवेयरनेस की वजह से होता होगा, इसलिए लेने लगते होंगे। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो सबसे पहले जो कॉमनली यूज्ड ड्रग्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स, एंड लास्ट वन इज कोकेन, यानी कि कोका एल्कोलॉइड, कोकेन जिसको कहते हैं, कोका एल्केनॉइड। COCA कोका एल्केनॉइड। ठीक, ये तीन टाइप्स के ड्रग्स हैं जो कि बेसिकली कॉमनली कह सकते हैं यूज करे जाते हैं, यूज होते हैं। ठीक, इनमें से सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ओपियोइड्स की। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं ओपियोइड्स की, एक एक करके सब सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग है और समथिंग पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड है ये सारी चीज़ें, कि क्यों हम लोग को ड्रग्स नहीं लेने चाहिए या किससे मिलते हैं, किससे ऑब्टेंड होते हैं ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले ओपियोइड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो करते क्या हैं ओपियोइड्स, देखो हमारे ब्रेन में, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वैसे बेसिकली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ओपियोइड्स रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, ओपियोइड्स रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं वहाँ पे, इसको वीक कर देता है, ओपियोइड रिसेप्टर पे वर्क करता है, उसको वीक कर देता है कह सकते हैं। ठीक, ओपियोइड रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट है, दो जगह, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है और एक गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमें पता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है।
ये ओपोइड ड्रग्स जो होते हैं ये जाकर के किससे बाइंड होते हैं, ओपोइड रिसेप्टर से जाकर के बाइंड हो जाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हेरोइन की। इसी में ही सब पार्ट आएंगे, जहाँ तक मैं नहीं हेडिंग डालूंगी तब वहाँ तक के पार्ट सारे ओपियोइड्स में ही आएंगे। ठीक, हीरोइन जो होता है HERION, ये एक ड्रग होता है जिसे नॉर्मली कॉमनली स्मैक के नाम से हम लोग जानते हैं, स्मैक के नाम से। ठीक, इसका केमिकल नेम जो होता है, केमिकल नेम जो होता है डाई एसिटाइल मॉर्फाइन होता है, डाई एसिटाइल मॉर्फाइन। ठीक, डाई एसिटाइल मॉर्फाइन होता है इसका केमिकल नेम। अब ये बनता कैसे है डाई एसिटाइल मॉर्फाइन? मॉर्फाइन में जब दो एसिटाइल ग्रुप लगते हैं, एसिटाइलेशन होता है जब, एसिटाइलेशन मतलब क्या होता है कि एसिटाइल ग्रुप का अटैच होना किसी भी कंपाउंड में लगते हैं जब, तो मॉर्फाइन में जब दो एसिटाइल ग्रुप लगते हैं तो वो कहलाता है डाई एसिटाइल मॉर्फाइन। ठीक, एसिटाइल ग्रुप क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O OH। ठीक, ये एसिटाइल ग्रुप होता है। ऐसे दो ग्रुप्स मॉर्फाइन में लगते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग मॉर्फिन के स्ट्रक्चर की। बहुत इजी सा स्ट्रक्चर है, देखो एक बेंजीन रिंग ये लगेगा, एक बेंजीन रिंग इससे अटैच हो जाएगा। ठीक, एक बेंजीन रिंग यहाँ लग जाएगा, यहाँ पे इस तरह से ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा। ठीक, अब क्या होगा यहाँ पे, ये इस तरह से होगा, ये ऑक्सीजन इस तरह से अटैच हो जाएगा, एक ये रिंग बन जाएगी, इससे CH3 अटैच हो जाएगा, यहाँ से OH अटैच हो जाएगा, एक OH यहाँ से अटैच हो जाएगा। ठीक, ये स्ट्रक्चर है मॉर्फिन का, नोट डाउन कर लेना। अब ये जो है स्मैक जिसे हीरोइन कहते हैं, ये मॉर्फिन से बनी होती है। अब ये मॉर्फिन ऑप्टेन कहाँ से होता है? मॉर्फिन इज ऑप्टेन्ड फ्रॉम पॉपी प्लांट। ठीक, मॉर्फिन जो होता है वो पॉपी प्लांट से मिलता है, पॉपी प्लांट। पॉपी प्लांट को क्या कहते हैं? पेपावर, पेपावर स्मॉल एस होगा, हमेशा स्मॉल एस लिखते हैं। ठीक, स्मॉल अल्फाबेट यूज करते हैं यहाँ पे, सोमनी फेरस। ठीक, अब ये ड्रग लिया कैसे जाता है? तो ये कुछ लोग इसको इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं, कुछ लोग स्नोरिंग यानी कि सूंघ के लेते हैं, और कुछ लोग डायरेक्टली ले लेते हैं, टेस्ट की तरह ले लेते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, हीरोइन इज डिप्रेसेंट एंड स्लोज डाउन बॉडी फंक्शन। ठीक, डिप्रेसेंट का क्या मतलब होता है? जो कि नर्वस सिस्टम को, नर्वस एक्टिविटीज़ को, नर्व एक्टिविटीज़ को स्टॉप कर दे, वीक कर दे। ठीक, उसको स्लो डाउन कर दे। क्या पॉइंट यहाँ पे बना कि जो ये हेरोइन होती है ये रिप्रेजेंट की तरह काम कर दे, डिप्रेसेंट कह सकते हैं, डिप्रेजेंट, डिप्रेसेंट की तरह काम करती है, यानी कि स्लोज डाउन नर्व फंक्शंस। ठीक, ये यहाँ पे हमारा ओपोइड का पार्ट हो गया कंप्लीट। अब कैनेबिनॉइड्स के पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। बात करते हैं अब हम लोग कैनेबिनॉइड्स की। कैनाबिनॉइड्स, इसमें हम लोग के मैक्सिमम टाइप्स के आ जाते हैं ड्रग्स। ठीक, कौन कौन से टाइप के आते हैं? जैसे कि चरस, गांजा, मैरिजुआना आता है, ये सारे टाइप के, सभी टाइप के, ये जो हम लोग नॉर्मली भांग वगैरह है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं
इसमें कैनेबिनॉइड्स में। तो ये क्या होता है, कैनेबिनॉइड्स रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी में, उनसे बाइंड होता है कैनेबिनॉइड्स। वो जो कैनेबिनॉइड्स रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे ब्रेन में, उससे ये बाइंड करता है, बाइंड्स टू, एक मिनट, बाइंड्स टू कैनेबिनॉइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन अवर ब्रेन। ठीक, अब ये कैनेबिनॉइड्स ऑप्टेन कहाँ से होते, कहाँ से मिलते हैं कैनेबिनॉइड्स? तो ये मिलते हैं कैनाबिस सैटिवा नाम के एक प्लांट से। ठीक, कैनाबिस सैटिवा नाम के एक प्लांट से मिलते हैं कैनेबिनॉइड्स। अब ये जो होते हैं ये हमारे चार तरह के होते हैं। पहला भांग, गांजा, चरस जिसको हशीश कहते हैं, चरस और हशीश एक ही चीज होती है, एंड फोर्थ वन इज मैरिजुआना। ठीक, उनकी बात कर लेते हैं अब हम लोग जल्दी से। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग भांग के बारे में। फर्स्ट थिंग भांग, तो ये क्या होता है, कैनेबिनॉइड जो यहाँ से ऑब्टेन होता है कैनाबिस सैटिवा से, कैनाबिस की जो लीव्स होती हैं, ड्राइड लीव्स होती है, वहां से मिलती है ये भांग, ड्राइड लीव्स ऑफ कैनाबिस प्लांट। ठीक, थोड़ी सी ग्रीनिश हो जाती है, जब उनको स्टोर करके रखो तो वो ब्राउनिश कलर की हो जाती है। बहुत से लोग इसको टबेको के साथ भी यूज करते हैं। ठीक, सेकंड वन इज गांजा, ये ऑप्टेन कहाँ से होता है, यंग फीमेल इन्फ्लोरेसेंस ऑफ प्लांट, यंग फीमेल इन फ्लोरेसेंस ऑफ प्लांट कैनाबिस। ठीक, ये ड्राइड होती हैं, ये भी टबेको के साथ यूज करी जाती हैं। देखो भांग जो होती है वो मिल्क वगैरह के साथ यूज कर ली जाती है, मिल्क में, वाटर के थ्रू, इन सब के थ्रू ले ली जाती है। ठीक, फेस्टिवल्स वगैरह में, होली में लेते हैं लोग। ठीक, तो वो भी एक ड्रग होता है। गांजा जो होता है यंग फीमेल इन्फ्लोरेसेंस ऑफ प्लांट कैनाबिस से ली जाती है, यानी कि मतलब क्या है, फीमेल प्लांट जो कि जिसमें प्रॉपर रूट्स हो, लीव्स हो, फ्लावर्स हो, पूरा मच्योर प्लांट जो होता है उसको कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। ठीक, जिसमें लीफ हो, रूट्स हो, शूट सिस्टम प्रॉपरली डेवलप्ड हो, फ्रूट्स हो तो फ्रूट्स भी हो, अगर प्लांट फ्रूट देता है तो फ्रूट्स भी हो वाले प्लांट में, लीव्स भी सारी ग्रो हो, फ्लावर्स भी ग्रो हो, ठीक, उसको कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। तो उससे गांजा मिलता है। नेक्स्ट वन इज चरस, जिसे कि हशीश भी कहते हैं। ठीक, तो ये क्या होता है कि ये फ्लूइड जैसा होता है, लैटेक्स जैसा लगता है, लैटेक्स जैसा क्या होता है, इसमें लैटेक्स जैसा होता है कि जो प्लांट होता है यहाँ, इसमें से जब भी कोई कट वगैरह लग जाता है, इंजरी हो जाती है प्लांट में, या लीफ वगैरह जो होती है उनसे कुछ फ्लूइड जैसा, लैटेक्स जैसा, जैसे रबड़ का निकलता है ना, रबड़ ट्रीज का, वैसा टाइप का लैटेक्स निकलता है। ठीक, फ्लूइड जैसा, उस लैटेक्स को जब लेते हैं, यानी कि या तो वो ऊज आउट हो जाता है, या तो वो लीव्स जब रब करते हैं हैंड से तो हैंड्स में आ जाता है। ठीक, उससे लेते हैं, उससे मिल जाता है हमें चरस। ठीक, फ्लूइड जैसा होता है वो। ऑलराइट, तो इसको भी टबेको के साथ लोग ले लेते हैं। ठीक, और बहुत से लोग इंजेक्ट करते हैं, या फिर वो स्नोरिंग के थ्रू ले लेते हैं। ठीक, या तो बहुत से लोग इसको एज अ स्मोक के फॉर्म में कैसे लेते हैं, जैसे कैंडल जलाते हैं तो कुछ होती हैं कि फ्रेग्रेंस वाली कैंडल्स होती है, वैसे उस तरह से ये जो होता है इनको जलाते हैं, उससे कुछ पता नहीं कि जो स्मोक वगैरह निकलता है उसका जो धुआं होता है, उस वो सारा प्रोसेस जो होता है वो सब स्मोक की तरह ले लेते हैं उसको। ठीक, उस चीज़ में हशीश होता है। बहुत बार जो चीज़ पेपर होता है, यानी कि जो सॉफ्ट क्लोथ होता है, उस तरह के कोट्स क्लोथ से भी रब करने से लीफ वगैरह के सरफेस को ये ऑब्टेन हो जाता है। ठीक, अब जो मैरिजुआना होता है, मैरी
इसकी स्पेलिंग में थोड़ा सा ट्विस्ट होता है, मैरिजुआना लिखते हैं लेकिन बोलते मैरिज जो होता है वो साइलेंट होता है। ठीक, ये किससे मिलता है? इनफ्लोरेसेंस ऑफ फीमेल प्लांट से ही मिलता है, मिक्सचर ऑफ लीव्स स्टेम और लीव्स रूट स्टेम इन सबके मिक्सचर को कहते हैं मैरिजुआना या मैरिजुआना स्टेम्स वगैरह के, इन सबके मिक्सचर को कहते हैं मैरिजुआना। ठीक, ये हम लोग ने कैनबिनॉइड्स के बारे में पढ़ लिया। ये सारी ही चीज़ें जो होती हैं हमारी बॉडी के जो इफेक्ट्स, वो हमारी बॉडी जो होती है उसको उसके फंक्शन को स्लो डाउन कर देती है। एक तरह से बॉडी जो होती है वो वीक की तरह हो जाती है, वीक हो जाती है। और काफ़ी ये भी होता है कुछ से कि इंसान काफ़ी पुरानी बातें भूलने भी लग जाते हैं, कुछ ड्रग्स के इतने बुरे असर भी होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग कोकेन के बारे में, कोका एल्केनॉइड जिसको कहते हैं। कोका एल्केनॉइड्स जिसको कोकेन कहते हैं, कोक कहते हैं बहुत लोग, कोका कहते हैं, बहुत अलग अलग नाम होते हैं इसके। ठीक, इसमें होता क्या है, ये हेल्यूसिजेनिक प्रॉपर्टीज कॉज करता है। हेल्यूसिजेनिक प्रॉपर्टीज यानी कि जो ऐसी चीज़ें फील करने लग जाते हैं जैसे जो हुआ नहीं होता है, जैसे कि एकदम से बैठे बैठे जैसे लग रहा है हाथ में पिन चुभ गई है, लेकिन जो वो एक्चुअली में चुभी नहीं होती है रियल में। ठीक, ऐसे चीज़ें इमेजिन करने लग जाते हैं जो नहीं होता है, जैसे सामने कोई इंसान को खड़ा हुआ फील कर रहा है कि वो है लेकिन वो एक्चुअली में होता नहीं है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ इससे कोकेन से फील होने लग जाती है। ठीक, सो ये ऑप्टेन कहाँ से होता है? एरिथ्रोजाइलम कोका प्लांट्स। ठीक, इसका एक्सेसिव डोसेज जो होता है, एक्सेसिव यूज कह दो या एक्सेसिव डोसेज कह दो, कॉजेज हेल्यूसिनोजन एक्टिविटीज। हेल्यूसिनोजेनिक एक्टिविटीज। ठीक, अब होता क्या है, ये इफेक्ट क्या करता है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है डोपामाइन, उसको इफेक्ट करता है, इफेक्ट्स न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन, जो कि फील टच वगैरह इन सब के बीच में डिफरेंस बताता है, डिफरेंस आइडेंटिफाई करता है डोपामाइन, उसी को ही इफेक्ट करता है। ठीक, अब ये जो है यहाँ पे हमारा ओवर हो गया कि इसको कैसे लेते हैं, स्मोक करके, इसको स्मैक भी कहते हैं। ठीक, इसको कैसे लेते हैं, स्नोरिंग से ले सकते हैं, डायरेक्टली ले सकते हैं, ऐसे लेते हैं। ठीक, अब इसके अलावा भी कुछ प्लांट्स होते हैं, इन सब के अलावा भी कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि हेल्यूसिजेनिक प्रॉपर्टीज कैरी करते हैं। एट्रोपा और कॉमनली यूज्ड और हो सकते हैं, जैसे प्लांट्स हो सकते हैं जो हेल्यूसिजेनिक प्रॉपर्टीज करे, तो वो एट्रोपा, बेलाडोना, धतूरा, ये सब भी, ये दोनों भी कॉज करते हैं हेल्यूसिजेनिक प्रॉपर्टीज। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये देखो लिया वैसे ही जाता है स्नोटेड, और ये सूंघना टेस्ट करके लेना, वही सारे प्रोसेस हैं। ठीक, अब बात करते हैं स्मोकिंग की बात करते हैं। स्मोकिंग जो होता है हर दूसरे घर में कोई ना कोई कर रहा है, एंड इट्स वेरी बैड क्योंकि ये लंग्स खराब करता है, एक हार्श ड्रग होता है स्मोकिंग। बहुत सारे अमाउंट कह सकते हैं हम लोग कि बहुत सारे केमिकल्स जो होते हैं वो इनहेल हो जाते हैं स्मोकिंग के थ्रू, और ये बहुत हार्मफुल होता है क्योंकि बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स हमारी बॉडी में जा रहे हैं, बिल्कुल बेकार है जो हमारी बॉडी के लिए। कार्बन मोनोऑक्साइड जो प्रेजेंट होता है गैस में, वो हमारी बॉडी में जा रहा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल हमारी बॉडी में हो जाता है हाई। तो इसका लेवल हाई होने की वजह से जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है हमारी बॉडी में वो लेस हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है।
ठीक, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो बहुत सारी डिसीजेज लगती हैं। हाँ, तो होता क्या है, माइग्रेन जैसी टाइप की डिसीजेज लग जाती हैं। अब होता क्या है कि ये जो स्मोकिंग होता है, स्मोकिंग के थ्रू ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है, रेट हार्ट बीट का रेट भी हाई हो जाता है, लंग कैंसर हो जाता है, लिवर कैंसर, एल्कोहल के अब्यूज से लिवर कैंसर हो जाता है, इससे लंग कैंसर, माउथ कैंसर हो जाता है। हाँ, और इसलिए ये बहुत हार्मफुल होती है हमारी बॉडी में। सो हम लोग को करना क्या चाहिए, मेजर्स की तरह अगर बात करें तो अगर आपकी फैमिली में कोई लेता हो, स्मोक करता हो, तो आप उसको मेजर्स बताएं, अवेयर करें। ये नहीं कि आप देख रहे हैं, आप खुद भी एडिक्ट हो रहे हैं, इन सब चीज़ों से जितना दूर रह सकते उतना दूर रहें, और पीयर प्रेशर की वजह से इसके एडिक्ट ना हुए, तो ये सारे मेजर्स। और जो स्टैट्यूटरी वार्निंग होती है, एक ही जो सिगरेट के पैकेट्स होते हैं इनके पीछे लिखा होता है कि दिस इज इंजूरियस टू हेल्थ, वार्निंग दी जाती है, तो अगर लोग बिना पढ़े यूज कर लेते, वो वार्निंग पढ़ें, दिमाग में रखें कि हाँ ये हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, उसको प्रिवेंट करें, मत ले, उसका यूज ना करें अगर उसके एडिक्ट हो चुके हैं। तो जो आजकल बहुत केंद्र से बन रहे हैं, जो यहाँ पे ये आदत छुटाई जाती है ये वाली टोबैको वगैरह यूज़ करने, ड्रग्स यूज़ करने वाली, वो सारी मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं वो इनसे प्रिवेंट करने के लिए इनको, कि आप इसके एडिक्ट ना रहे ज़्यादा समय तक, उसको ख़त्म, एडिक्शन ख़त्म करने के लिए बेसिकली मेडिसिंस होती हैं, उनको लें, उनको यूज़ करें, स्टैट्यूटरी वार्निंग्स पढ़ें, अवेयरनेस फैलाएं सबके बीच में कि ये कितना हार्मफुल है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी मेजरमेंट्स में। ठीक, एड्रेनलिन, और होता क्या है कि स्मोकिंग के थ्रू क्या होता है, जो हमारे एड्रेनलिन ग्लैंड होता है, एड्रेनल ग्लैंड होता है, वो एड्रेनल सेक्रीट करे या ना करे, ये सब इसके कंट्रोल में हो जाता है, मतलब पूरी बॉडी जो होती है उसका अजीब सा फंक्शन हो जाता है। ठीक, अब आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर एंड हो जाएगा। सो अगर मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, बिकॉज सो दैट आई कैन रीच माई channel can reach to those people, those children who really need this, because I used to keep this in mind now while I am teaching, ki I have to teach all the three boards, state board and ICSE and CBSE board, all boards, so I keep that in my mind, all right, so isliye mere videos ko zyada se zyada share kariye, and jab tak new education policy yahan pe available nahi hai, nahi aa rahi hai, tab tak to yahi थोड़ा सा क्राइटेरिया रहेगा, जैसे वो पॉलिसी आएगी तो आई विल टीच अकॉर्डिंग टू दैट ओनली। ऑल राइट, तो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट लाइक बटन टू दिस वीडियो एंड टू दी प्रीवियस वीडियोज, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और डियर वंस, कैन कीप सपोर्टिंग बिकॉज योर सपोर्ट कैन हेल्प अस टू ग्रो। ऑल राइट, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय बाय, टेक केयर।